आगे का ब्लॉग सुमन करेगी कंटिन्यू, क्योंकि भाभी जी और को मैं जानती नहीं हूँ। सुमन के ही जान पहचान वाले हैं भाभी जी और, तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके घर पे। आवाज भी दिखाना उसे कितनी है, क्या है, ब्लू वाला दिखाना। कंपनी मोटी अभी मेरा ब्लॉग भी देख रही है और खाना हमारा। हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़ वाले मेरे छोटे से गांव रौली गांव से। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 9:30। और ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने रूम से कर रही हूँ मैं, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो आज आ रही हूँ मैं थ्रेसन मार्केट, मुझे मार्केट में काम भी है और मुझे ना अपनी जो पेन ड्राइव है उसे ठीक करवाना है, तो फोटोग्राफर थ्रेसन का ही। तो मैंने सोचा जब माइक आ रहा हूँ तो ये वाला काम भी करवा लेती हूँ अपना, थोड़ा मेरा बैंक का काम भी है। और ये मैंने ये वाला सूट वेयर किया है मार्केट जाने के लिए, थोड़ा मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपको। और बाहर तो बारिश लगी हुई है, बाहर का मौसम भी तो खराब हो रहा है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। और क्या एग्जाम है? तो घर से हम काफी नीचे आ चुके हैं मार्केट के लिए, तो आजकल ना हम पैदल ही मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो गांव की रोड है जगह जगह पे टूट रखी है बारिश की वजह से। और मैं और ये सुमन मोटी आ रही है मेरी भुलिया, ये हम दोनों जा रहे हैं बाजार। किसको फोन आ रखा है तेल? मेरे दोस्त आ रहा है। अच्छा, तो आज का मौसम भी सुबह से ना खराब हो रहा था, बारिश चल रही थी सुबह से, अभी तो थोड़ी बहुत धूप भी लगी हुई है। और आजकल हमारे गांव के सरकारी जंगलों में हरी हरी घास हो चुकी है, बरसात का टाइम है ना, तो मस्त सा हो रखा है जंगल का नज़ारा भी। तो अभी हम कैनियर बैंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहीं पे हमारे गांव का बस स्टॉप भी है, और यहीं से हम दिल्ली, जामनगर, गुरुद्वार, बैगरो कहीं भी जाना हो यहीं से जाते हैं, यहीं से हमें सारी बसेस मिलती हैं। और यहाँ पे ना इस साल इस सेल्फी पॉइंट का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर यात्रियों के लिए अच्छे से बैठने के लिए भी बना रखा है, गाँव वालों के लिए भी। और यहाँ से ना थैली स्टैंड का खूबसूरत सा नज़ारा भी दिखता है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है यहाँ से थ्रेसन मार्केट का नज़ारा। ये देख सकते हैं सामने थ्रेसन मार्केट है, तो थ्रेसन मार्केट पौड़ी गढ़वाल में है। और चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है आजकल। थैली स्टैंड मार्केट में मैं पहुंच चुकी हूं और सुमन गई है डॉक्टर के पास, और मुझे पहले अपने पेन ड्राइव ठीक करवानी है, तो यहां पे फोटोग्राफर की दुकान है तो इसे ठीक करा दी। तो पेन ड्राइव भी नहीं बन रही है यहां, फोटोग्राफर मना करा है, कह रहा है कहीं बिजली वगैरह वगैरह बनाना, और बैंक का काम भी मेरा हो गया है। तो सुमन को अपने हैंड पर पट्टी करानी थी, उसके हाथ में चोट लगी थी और उसने दवाई भी ले ली है सामने डॉक्टर से, और मुझे अपनी पेन ड्राइव को ठीक करवाना पड़ेगा यार, बड़ी झंझट आ गई है। तो अच्छा कोई कुछ करनो नहीं हम आगो खड़े सुधी ते जब कुछ लिख भाई या तो सरावण कूड़ होते था जी कन का सरण उनल है कन का सरण बा होता होता देख दूंगा। हे बाबू वाक बटन ना घाट कस करी जाने दोंगे दोस्त पर ये बात बात करी स्पीकर ले लूं ब्लूटूथ वाला दिखाना भैया दे दिखाती आवाज भी दिखाना उसे कितनी है क्या है ब्लू वाला दिखाना कंपनी अलग अलग क्या है ओ पीछे इता दो ता दो हां हां इसे दिखाओ ये बढ़िया कौन सा बेस्ट है दूसरे निकाल दियो ना भैया दोनों निकाल के दिखा दो हां मैं बस वाला है अरे ये ब्लू ये कलर ब्लू देखिए अरे कलर क्या कलर है आवाज आवाज दिखाओ तो लाइट प्लस ब्लूटूथ माउंट जरा कनेक्ट करो तो चिप लगे नहीं परे सब कुछ हां चिप लगाओ पेन ड्राइव लगाओ किसान हो जाने आठो ना किसान हो जाने मतलब आजकल तू भी रोंदे सारे प्ले बाय यूएसबी ड्राइव
me drive. क्या हो गया? क्योंकि नहीं चलो तो ये वाला ब्लूटूथ है, कौन सी कंपनी का है? ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, इसकी जरूरत थी मुझे। कलर दूसरा ले ले, कलर है ही नहीं, कलर ऑप्शन नहीं है। ब्लू खत्म हो गया ना यार, अच्छा यही वाला दे दो, कोई बात नहीं, गाने ही तो बजाने हैं। अब आ चुके हैं हम पेट पूजा करने के लिए। मार्केट का सारा काम तो हो चुका है, ज्यादा काम नहीं था मार्केट में। और ये जो दुकान वाला है, ये हमारे साथ का है, क्लासमेट है हमारा सुरेंद्र भाई। तो हमने ऑर्डर भी दे दिया है चाउमीन और मोमोज का, अभी बन के तैयार होता है। तब तक हम थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। यहाँ पे मोटी पिया भी हले मोटे मोटे की बोल है भाई साहब, हमें छोटी छोटी हैशटैग मोटी करना है। हैशटैग मोटी तो है ही है, क्या बोल रहा है तू? हैशटैग पतली क्या ना बोलू, ये देखो आ दिला 54 व्यूज आ रहे हैं क्या? देखा भाई दाजी बड़ा सैग हो जी यार, दाजी बहुत सपोर्ट कर, दाजी बड़े अच्छे पता। चौमिन बन के रेडी हो चुके हैं, ले आ, हाँ ये तो ना खान बोल मोटी, अभी मेरा ब्लॉग भी देख रही है और खाना भी खा रही है। वाह, दोनों काम एक साथ। पहले टेस्ट कर लेते हैं कैसी बना रखी है सुरेंद्र ने। हाँ यार ठीक है, चल ये क्या चल, हाँ कि नहीं है अभी। हम सेकंड शॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से ना सुमन पहाड़ी छाता ले रही है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में समझो छाता भी बोला जाता है। तो ये इधर दिखा भैया, दिखा रहे भैया की दुकान में काफी सारे समझो वाले छाते हैं, ये देख सकते, ये तो इंडियन आर्मी वाला है भैया। ये तल्ली जगह इन्हें दिखा जरा, ये तल्ली जगह बड़े अच्छे, नहीं 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 वो दादा इंडियन आर्मी वाला छाता है वो, गांव के लिए ऐसे छाते बेस्ट होते हैं बरसात के टाइम पे, क्योंकि ये छाते ना काफी बड़े होते हैं और दो तीन लोग आराम से जा सकते हैं छाते के लिए बारिश में। और जो दादाजी ने मंगाया है तो उनको इसी टाइप का छाता पसंद आता है। अजीब सांस, ये हमारे तो ये पहाड़ी जूते हैं और हमारे पहाड़ों में महिलाएं कुछ इस प्रकार के जूते पहनते हैं, घास जंगल लकड़ी लेने जाते हैं जब, ये देख सकते हैं। और ये जूते ना बिल्कुल रबर टाइप के होते हैं और पहनने में भी कंफर्टेबल लगते हैं, ये देख सकते हैं। छह नंबर अच्छी है, ये छह नंबर के हैं, बड़े अच्छी हो शॉप में भी चाहिए, कम्फर्टेबल रह दियो, मस्त लगे दी मैं तो ये वाल जूता। मैं अब फिर थोड़ा जोड़ी यार भाई, क्या करना नहीं फोन नंबर पर छोटा वाला था वो बहुत है, जेदा नहीं ना ना छून दे ले जा, के दो अक्षी के दो नंबर 170 यार, ये कौन सी बात हो गई 150 क्या हो अभी। तो समझो छाता भी ले लिया है हमने गांव के दादाजी के लिए, सुमन ले जाएगी, ले ले हां तेरे को शर्म आ रही है ले जाने में, मुझे शर्म नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही शर्म, लेके जा सकती हूं मैं, लेके जा सकती हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट लो उत्तर पक्ष में, तो मार्केट का सारा काम भी हो चुका है और अब चलते हैं घर। इस मोटी का रह गया थोड़ा सा काम, सुमन का, सॉरी फिर से बोल दिया, हैशटैग मोटी मत लगा लो बेटा, अगर हैशटैग तो कुछ ही नहीं तो ले ली है खुद के पैसे ले रहे, पापा ने पैसे नहीं दिए ना, ये लिए नहीं पापा, लिए नहीं यार मैंने, क्यों क्या लेने डेली डेली पैसे, पापा खजाना लगा क्या। तो हम घर जाते टाइम एक एक पेप्सी पी के जा रहे हैं यहाँ से, तो वाल अच्छा, तो ये थ्री साइड मार्केट का मधुबन लॉज है,
मैं भी भूल गई थी, कॉलेज टाइम पे सबसे ज्यादा चाउमीन यहीं पे खाते थे हम, डेली का काम रहता था हमारा मोमोज चाउमीन खाने का। तो अभी आ चुके हम सुमन और के रिश्तेदार अच्छे तो भाभी है उनके घर पे आए हैं और उनका कालू देख रहा है डर लग रही है इसको देख के कुकुर देख डर लग भाई भयंकर। तो ये देख सकते हैं आ गए हम तो भाभी जी जरा बाहर आइए आप तो ये देख सकते हैं भाभी जी का घर है। अच्छा ये भैजी थी भाई जो आ रहा लड़का अच्छा ना तो पानी की बहुत प्यास लग रही थी तो ऐ दिन ही चाहे अगला काम नहीं हो जा तू बैठ के पानी पी ले ना कल गांव में आगे का ब्लॉग सुमन करेगी कंटिन्यू क्योंकि भाभी जी और को मैं जानती नहीं हूँ सुमन के ही जान पहचान वाले हैं भाभी जी और तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके घर पे और काफी अच्छा लगा घर पे आके अच्छे से खातेदारी हो रही है हमारी अभी बड़ी अच्छी इतनी प्यारी है ठंडा बिस्किट और जो मर्जी ये देखते डिमांड पूरी हो रही है सही बात है सुमन का सिक्का चलता है भाई यहाँ पे यहाँ के हम राजा है और भाभी जी का खाना बन रहा है अभी आज के खाने में क्या बना रहे भाभी जी मूली की खिचौड़ी है मूली का खिचौड़ी हाँ यार फेवरेट माय फेवरेट ही जोड़ी है और हमारे लिए यहाँ पे सुमन के लिए यहाँ पे लंच बनता हुआ चल चलते हैं यार चल ना ना चल जाओ यार रूम टाइम अंशु रूम बढ़ गया टाइम हो गया 2 बजने वाले हमारा घर गिरने वाला है चल यार आज रक्षाबंधन करनी होता आ गया इसको कोई बात नहीं ये भाई ये बोला तो अभी मैं अपने गांव की रोड पे भी आ चुके हैं मैं और सुमन मार्केट से हम थोड़ी देर पहले आ गए थे और हमें ना करीबन आधा घंटा लग चुका है घर आते आते क्योंकि गाड़ियां तो आ नहीं रही है पैदल ही आए थे हम मार्केट से घर और सामने से रास्ता है हमारे घर के लिए अरे ये तो फट गया और इसके थैले में मैंने सामान रखा था और ये चीनी भी फट गई है चीनी का चीनी गोल बैठे आप चीनी के लिए अबे यार ये तो बड़बड़ से हमारे घर आ जाते हुए ये फर्क पाड़ कुटे और बड़े मैं और सामान लेकर जाते हैं बैग नहीं अरे यार बंद कर दो बार का देते हो नहीं बार फिर सकते अपन बल्कि नहीं सर पे लेके जाऊंगी और बारिश तो इतनी भयंकर लगी है ना देख सकते हैं और सुमन तो नीचे वाले साइड से जाएगी अपने घर तो उसका घर ना गांव में है चल जाते है क्या जमन वाला दंगल जाए अरे सुमन तो चली गई है और मुझे इस रास्ते ऊपर जाना है हो रही है ना यहाँ पे और ये गदेरा आ गया है यहाँ पे रास्ते में ना भयंकर बाप रे हमारे गांव में क्या हाल हो रहे होंगे हम तो गांव के दूसरे साइड रहते हैं लेकिन हमारा जो गांव है खतरे में आजकल भयंकर वाह मेरे पूरे कपड़े ऐसे गीले हो गए ना और चीनी मैंने ना इस चीनी पे बांध रखी है भयंकर बारिश होने लगी है तो फाइनली घर पे भी पहुंच चुके हैं और मैं ना पूरी भीग गई हूँ ऐसा तो पूरे कपड़े कत कत हो गए पानी में और अयांश ये लोग तो सो रखे हैं चलो ये लेट और श्याम तो
कौन सोर तो आराम फरमा रहे हैं आराम में बाबा इतनी अति बारिश आ रही है गाँव गाँव की ओर नहीं बनी मेरी अब ऋषिकेश ही दिखाना पड़ेगा। अभी बन रही है हमारे शाम की सब्जी। तो आज के शाम की सब्जी में बना रहे हैं हम मूली और आलू की थिंचौड़ी। और मैंने ना सिलवटे में इसकी थिंचाई कर दिया बारीक करके। सामने माँ अभी लहसुन छील रही है सब्जी बनाने के लिए। और अंशु भी उठ चुका है, तो अंशु अभी उठ रहा है। इधर ले कट्टू, इधर इधर कट्टू का मूड खराब रखा है। आ मैं कट्टू पुरिया। अंशु उदास हो गया था मेरे बिना। नींद में भी बोला था ज्योति का आ गई है कटू, मम्मा की याद आई। तो अभी का मौसम देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तेज से, अभी तो ठीक है मौसम। तो इस ब्लॉग का मैं ही पेंट कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो लाइक और कमेंट्स करें। साथ में जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।